किसी भी स्नान करने वाले स्थान पर, चाहे वो गंगा जी हो, यमुना जी हो, गंगा सागर हो, कोई कुंड हो, कोई भी स्थली ऐसी हो जहां आप ऐसे स्थानों पर स्नान करने आते हैं, तो उसका अर्थ समझिए। कायदा कहता है कि आप पहले घर से स्नान करके चलो, जो भी करना है साबुन वल लगाना है, कहीं भी चाहे गंगा यमुना कहीं भी एक तीर्थ में स्नान करें तो याद रखें, भूल के भी गलती ना करें। क्या आप डुबकी लगाइए, गलती से भी ऐसे मत करिए। ये भी साबुन लगाना तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे करके जो मैल छुटाने की एक्टिंग करते हैं ये भी नहीं करनी है। वहां स्नान करने का भाव समझिए, ये साक्षात भगवान है, जो जल है साक्षात ब्रह्म है, हमें अपने ऊपर लेना है इसको। जैसे पेंट करना है, पेंट के डब्बे में आप डूब जाओ और ऐसे निकल आओ पूरी बॉडी पे पेंट हो गया, तो इस जल को आपको अपने ऊपर धारण करना है। इस जल से आपको कुछ धोना नहीं है, न डुबकी लगा के बस वो बाहर आए, बिल्कुल जरा भी आंख पोंछ रहे हैं, नाक से नहक रहे हैं, खा खू कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। साबुन तो बहुत दूर की चीज है, आपको ऐसे रगड़ना भी नहीं अपने आप को। आपके जो कपड़े हैं भूल के भी इस पानी में ना धोए, गंगा का हो या किसी भी, आप स्नान करिए, स्नान करके बाहर आइए। यदि आपकी क्षमता है कि ना पोंछने की तो बिना पोंछे रहिए, ठंडे तो पोंछ लीजिए वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो गर्मी में उस जल को आप सूखने दीजिए और बस भगवान का भजन करते हुए वापस घर आ जाइए। महिमा है रज की, उसमें पानी में जो भी आप कहते हो रेता है, रेता नहीं, वो भगवान के चरणों की रज है, वो रज हमारे शीश पे धारण हो, यही उसका औचित्य है। आप गंगा जल लेके आए, नीचे रज ठहर जाती है, वो रज ही काम की है, उस रज के कारण ही सारी पवित्रता, वो पानी सड़ जाएगा रज ना हो तो। ऐसे तीर्थ स्थानों पर सदा याद रखें, कभी भी नहाने की बात ना के कि हम यहां नहा के गंदगी साफ करने आए, उस जल को अपने ऊपर रम रहा है, अपने ऊपर चिपक जाए, सूखे ना देर तक। साधु संत जटाए इसलिए नहीं रखते कि उनको वो शौक है फोटो में अच्छी आएगी, जैसे हमने चोटी रखाई हुई है, वो इसलिए रखें, जटाए बहुत देर तक गीली रहती है, वो ब्रह्म वो जल वो शक्ति लगातार उनके बसी रहे। भगवान के चरणों से गंगा निकली, भगवान के चरणों से शंकर भगवान को इतना प्यार है कि अपनी गंगा उस जटाओं में रख लिए, निरंतर उनके उसी में भीगे रहते, राम रस की गंगा में राम दिन रात। हमारी उतनी क्षमता नहीं है तो हम जब गोता लगाते हैं तो वो देर तक रहे, साधु संत जटाए रखते हैं, हम कम से कम मर्यादा भंग ना करें, अपने मैल को धोने का प्रयास ना करें। बोले राजा रामचंद्र, भगवान की जय। तीर्थ स्थान की जय। अघमर्षण कुंड की जय। जय जय श्री सीताराम। जय चित्रकूट धाम की जय। तो जो काम की चीज मिल जाए उसे लपेटते रहना, लेते रहना।